नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के झाबुआ उपचुनाव के नतीजों को लेकर गिनती जारी है। काउंटिंग में लगातार कांग्रेस आगे चल रही है। 6 राउंड पूरे होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया को 20,141 वोट मिले हैं। 6 राउंड की समाप्ति के बाद कांग्रेस 4,755 मतों से आगे चल रही है। भाजपा के भानु भूरिया को 16,890 वोट मिले। अयोध्या मसले को लेकर प्रदेश भर में पुलिस मुस्तैद है। प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह ने सभी आईजी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि अयोध्या मसले पर आने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर पुलिस पूरी तरह सजग, सतर्क और मुस्तैद रहे। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए फैसले के हर पहलू को ध्यान में रखकर अभी से पुख्ता तैयारियां की जाएं। संगठन चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संभागीय संगठन मंत्रियों की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। लगभग आधा दर्जन संगठन मंत्रियों के प्रभार के संभाग में पार्टी ने बदलाव किया है। पार्टी ने इसे सामान्य प्रक्रिया कहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक ही स्थान पर लंबे समय से टिके होने के कारण संगठन चुनाव प्रभावित न हो, यह भी इस बदलाव का कारण माना जा रहा है। महिला दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दोपहिया चलाने वाली महिलाओं या उनके पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट की अनिवार्यता न होने को चुनौती दी गई है। प्रदेश में मौसम इन दिनों अनोखे रंग दिखा रहा है। कहीं गर्मी, बादल और सर्द हवाएं तो कहीं रिमझिम बारिश खेतों में रखी फसलों और उपज को खराब कर रही है। इंदौर, भोपाल समेत प्रदेश में कई स्थानों पर बुधवार को सुबह हल्की बौछारें पड़ी। दिन भर बादलों ने डेरा डाला रहा। कहीं कहीं धुंध छाई रही। इससे भोपाल में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आ गई। इंदौर में भी गिरावट देखी गई। मौसम वैज्ञानिक ए.के. शुक्ला ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव से यहां असर दिख रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।